के लगवाए बेटे को चाटे। जी हाँ, जबलपुर में ऐसा प्रकरण सामने आया है। सार बेटा आए दिन पैसों की मांग कर मारपीट करता है, घर से निकालने की धमकी देता है। पड़ोसियों रिश्तेदारों ने कई बार समझाया पर वह मानने को तैयार नहीं है। हमारा जीना दुर्भर कर दिया है, अब आप ही हमारी मदद करें। जिस पर एसपी ने बुजुर्ग दंपति के बेटे को पहले फटकार लगाई, फिर सबके सामने माता पिता के पैर छूकर माफी मंगवाई। खुद ही एसपी ऑफिस पहुंच गया बेटा। विपरीत पुलिस कप्तान मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचे। खरेमाई मंदिर के पास आजाद नगर गोरखपुर निवासी बुजुर्ग शारदा प्रसाद कोरी और उनकी पत्नी ने कुछ के सामने बयां किया तो उनका दिल पसीज गया। वह पुलिस कर्मी को बुजुर्ग दंपति के घर भेजकर उनके बेटे कपिल कोरी खुद ही पहुंच गया। युवक को देखते ही एसपी के तेवर तलक हो गए। उन्होंने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि बुजुर्ग माता पिता से मारपीट करते हो, शरण नहीं आती तुम्हें। एसपी के तेवर देख युवक सहमसा गया। अपने सिरे से माता पिता के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन तभी मुंह से आई शराब की गंध से पूरी हकीकत बयां कर दी। एसपी को भी उसका झूठ पकड़ने में देरी नहीं हुई। एसपी ने दिलाया भरोसा तो दंपति ने बरसा दिए थप्पड़। एसपी ने पहले युवक को जमकर डांटा, फिर बुजुर्ग दंपति को कहा, आप सभी को बहुत सताता है ना, आज आप लोग मेरे सामने इसे चाटे मारो। यह सुनकर तो बुजुर्ग एक पल तो बुजुर्ग दंपति ठिठके, लेकिन एसपी ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन इस बीच बेटा तो मान गया कि वह अब इसके बाद ऐसा नहीं करेगा। कक्ष से बाहर निकलते ही फिर से माता पिता को धमकाया कि उसने कहा कि या तो मारपीट के लिए कहा, अब घर पोछने का पूरा बदला मैं लूंगा, बैगों से कर चाकू मरवा दूंगा। ऐसे आजकल के नौजवान ऐसे धमकाए जाते हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।